जिला सोलन से भाजपा को भारी लीड मिली, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। शुरुआती तौर में भाजपा को कम लीड मिल रही थी, लेकिन बाद में ये लीड लगातार बढ़ती गई। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सोलन वासियों ने देश के सुनहरी भविष्य के लिए भाजपा को बहुमत दिया, यही वजह है कि पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। सोलन में भाजपा को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे दोगुनी जीत हासिल हुई है। भाजपा को जिला सोलन में अर्की, नालागढ़, दून, कसौली सभी विधानसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत मिला है। यही कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है। भाजपा ने सोलन में जश्न मनाना आरंभ कर दिया है, ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो चुके हैं। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष पवन गुप्ता और पार्षद भरत साहनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज सोलन जिला से भाजपा को भारी लीड मिली है, जिसके लिए वे सोलन की जनता को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम मशीनों को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 के बीच में आदरणीय मोदी जी का जो काम था, कार्यकाल था, उसको लेकर 2019 के चुनाव में पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा और हिमाचल में चारों की चार जीतेंगे। हमारे सभी कैंडिडेट जितने भी राउंड अभी तक हुए सब में आगे चल रहे हैं और 2-2 लाख से हम कम से कम चारों सीटें जीतने जा रहे हैं। और एनडीए जो है वो पूरे भारत में 300 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी जिन्होंने पूरे देश में रैलियां की हैं और उनका कार्यकाल 5 साल का, अमित शाह जी का कार्यकाल, और हिमाचल में माननीय जयराम ठाकुर जी का जो कार्यकाल निकला है 1.5 साल का, उसको लेकर जनता ने जो आशीर्वाद, जो सहयोग हमें दिया है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले 5 साल में भारत विश्व का नंबर एक देश बनेगा, ऐसी हम शुभकामनाएं आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनकी पूरी टीम को देते हैं। विकास और सिर्फ विकास, हमारा एक ही नारा है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास ही करेंगे। और आदरणीय सुरेश कश्यप जी 2 बार के एमएलए हैं 50 से, और अब वो नए अपने उसमें जिम्मेदारी के साथ सांसद का जो कार्यकाल उनका होगा 5 साल का, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि पूरे के पूरे 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अच्छा कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे और इस संसदीय क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छा एक तोहफा जो है वो मिलने वाला। विपक्ष का काम है मशीनों से छेड़छाड़ बताना। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको लगता कि मशीनों की वजह से वो जीते थे तो वो इस्तीफे दें और दोबारा से चुनाव कराने की घोषणा करें। इस तरह से आज रिजल्ट आए हैं, मैंने कुछ दिन पूर्व भी आपके चैनल को बताया था कि इस बार सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी होगी, उस प्रकार से प्रमाण आ रहे हैं। और आज सोलन जिले से जो लीड आई है 85,000 की, वो साबित करता है कि मोदी जी की प्रचंड सुनामी और जयराम जी के जो 1 वर्ष का कार्यकाल था उसमें जो कार्य किए गए उससे प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया है। चारों के चारों कैंडिडेट 2-2 लाख की लीड से जीत रहे हैं। इससे पता लगता है कि हिमाचल की जनता मोदी जी और जयराम जी के साथ थी। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस सोलन जिला और सोलन विधानसभा क्षेत्र की जनता का